दिस वीडियो इज पावर्ड बाई ब्रेव। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ब्राउज़र आप यूज़ करते होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, इसी तरह से ये एक ब्राउज़र है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, 3x फास्टर आप ब्राउज़ कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर ऐड के यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं और रिवार्ड पा सकते हैं ब्राउज़ करके। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करें। आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि इस पर अगर आप ब्राउज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है, क्योंकि ये फास्टर है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ किसी भी यहां पर लिंक को अगर आप पेस्ट करेंगे तो उस वीडियो को आप एड फ्री देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक यहां पर लिंक को पेस्ट किया है तो उसके आप एड फ्री वीडियोस को देख सकते हैं, उसको एड्स को यहां पर ब्लॉक कर देता है और टाइम को सेव करता है। तो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके इसे डाउनलोड करें और बताना जरूर कि कैसा लगा आपको ये एप्लीकेशन, साथ ही रिवार्ड भी आप यहां पर जीत सकते हैं। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। Redmi Note 5 Pro में दो दिन पहले ये अपडेट आ चुका है, जो कि है 10.3.1.0, और ये ओरियो वेस्ट का लास्ट अपडेट साबित हो सकता है, क्योंकि अब इस टेबल के अंदर आपको एंड्रॉइड पाई देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं पूरा इसका रिव्यू करूंगा कि कैसा है ये अपडेट, क्या न्यू फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, क्या इसके प्रॉस है, क्या इसके कॉन्स हैं। साथ ही साथ आपने इस अपडेट को नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना दिया है कि आप किस तरह से इसे अपडेट कर सकते हैं मैनुअली मेथड से, क्योंकि इसका अपडेटर में अगर अपडेट नहीं आया, वो पार्शियल अपडेट था वो चला गया, तो आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं ऑफिशियल मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू में आपको बहुत ही बिग साइज का चेंज लॉग देखने को मिल जाता है। आज इसी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे, साथ ही आपको क्या नया चेंजेस देखने को मिलता है वो भी आपको मैं बताता चलूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेक्शन की। तो मैं आपको बता दूं कि 10.2.2.0 की अपडेट के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। वीडियो क्वालिटी के अंदर 4K आपको देखने को नहीं मिला है, सेम टू सेम आपको वही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कि आपको 10.2 के सीरीज में कैमरा सेक्शन के अंदर में देखने को मिल जाता है। कभी कभी कैमरा लैग भी होता है, लेकिन यहाँ पर वही परफॉर्मेंस से मैं फिर से कहूँगा कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10.3.1.0 के अंदर में कुछ नया फीचर्स नहीं आए, बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और सेटिंग को, और जिसमें मैं आपको अबाउट फोन में एक बार अपडेटेड सिक्योरिटी पैच आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको लेटेस्ट मिल जाता है पिछले वाले अपडेट वर्जन से। डिस्प्ले के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि आपको एंड्रॉयड बीटा के अंदर डार्क मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब कुछ न्यू फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर फेस डेटा के अंदर आपको कुछ नया मिल जाता है, जैसे कि आप जो ऊपर इमोजी बना हुआ देख रहे हैं ये पहले एंड्रॉयड पी के बीटा वर्जन में था, लेकिन अभी आपको स्टेबल में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फीचर्स आप सभी यूज़र के लिए देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो फेस डेटा के अंदर, फेस अनलॉक के अंदर आपको बहुत सारे न्यू ऑप्शन मिलते हैं जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था, कि आप फेस डेटा को जब आप अनलॉक करेंगे तो आप स्वाइप अप करके स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ये सारे कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी परफॉर्मेंस आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 10.3.1.0 के अंदर में आपको ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन बीटा की तरह बढ़िया नहीं है। इमरजेंसी SOS का ऑप्शन मिलता है जो कि बीटा में मिलता था, स्टेबल में पहली बार आया है, तो यहाँ पर इमरजेंसी के लिए ये काफ़ी काम आने वाला है, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी फीचर्स है मैं उसको आपको यहाँ पर बताता चाहूँगा ताकि आपको आइडिया लग सके क्या क्या नया फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, पुराने वाले फीचर्स को हम इग्नोर करते हैं। जो बीटा में फीचर्स पहले से मिला है उसी को यहाँ पर स्टेबल में आपको देखने को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मी पे अकाउंट पहले स्टेबल के अंदर नहीं था, लेकिन आप इस तरह से डिजिटल वॉलेट, जैसे कि आपका UPI का वीम हो गया, गूगल पे हो गया, उसी तरह से यहाँ पर गूगल पे का भी सपोर्ट आपको स्टेबल के अंदर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से अपने कार्ड को सेव कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और न्यू फीचर्स है जो कि है ऐप लॉक के अंदर। अब ऐप लॉक के अंदर होता यह था कि शुरू शुरू में पैटर्न का ऑप्शन मिलता था, किसी भी एप्लीकेशन को आप पैटर्न से हाइड कर सकते थे, उसके बाद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आया, और अब यहाँ पर फेस अनलॉक के साथ यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है जो कि स्टेबल वर्जन पर है, मेरे पास बीटा वर्जन वाला Redmi Note 5 Pro है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो आपको दे पा रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेस अनलॉक के अंदर आपको यहाँ पर आपको ऐप लॉक के अंदर फेस अनलॉक का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर्स है। आप यहाँ पर किसी एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए अपने फेस को यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी फास्ट है और इस अपडेट के आने के बाद स्टेबल के अंदर फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट हो जाता है और ऐसे भी हर अपडेट के बाद आपको फेस अनलॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब कैमरा टू एपीआई की बात करें तो आपको स्टेबल वर्जन के अंदर नहीं मिलता है क्योंकि वीटा में अभी आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और जब भी कोई भी न्यू फीचर्स अनलॉक्ड होगा तो सबसे पहले वीटा में मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टेबल में वो अपडेट आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अपडेटेड सिक्योरिटी पैच के साथ कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने फेस अनलॉक के बारे में आपको बताया, LED इंडिकेशन के बारे में आपको बताया, ये सारे थे जिसे फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पर सिंक का भी एक प्रॉब्लम था जिसे इस अपडेट में फिक्स किया गया है। ये सारे बग्स जो थे वो 10.2.2.0 के अपडेट के अंदर था। तो यहाँ पर अगर आप लोग ये पूछोगे कि अपडेट करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट जरूर करना चाहिए क्योंकि अब आपको सिर्फ एक स्टेप आप दूर रह गए हो एंड्रॉयड पी के वर्जन से। और इस तरह से अगर कोई फ़ोन पबजी कोई खेलता था तो आपको बैटरी लो का इंडिकेशन नहीं मिलता था, जो कि यहाँ पर बग्स के अंदर मेंशन किया गया है। रिसेंट्स के अंदर है MI क्लाउड के अंदर कुछ बग्स है जो कि कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट करना चाहिए और आप एक स्टेप दूर हो एंड्रॉयड पी के स्टेबल वर्जन में रेडमी नोट 5 प्रो के। तो अब यहां पर बात करते हैं कुछ और, यानी कि पबजी की। तो पबजी के अंदर हम देख लेते हैं ग्राफिक्स के अंदर कि आपको कैसा देखने को मिलता है, कुछ आपको न्यू देखने को मिलता है कि नहीं, या फिर अभी भी आपको वही सारे पुराने फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको रेगुलर एंड्रॉयड ओरियो के अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा तो आपको पता होगा कि एंड्रॉयड नोगट का अपडेट मच बेटर था एंड्रॉयड ओरियो से। अब देखने वाली बात यह होती है कि एंड्रॉयड पाई का अपडेट में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। नो डाउट बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड्रॉयड पाई में। ग्राफिक्स में आपको स्मूथ बैलेंस के अलावा HD का सपोर्ट आपको देखने को अभी भी नहीं मिलता है और मुझे नहीं लगता है कि आपको एंड्रॉयड पाई के अंदर भी ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लाइफ टाइम इसी ऑप्शन के ऊपर आप गेम को प्ले करोगे मेरे हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर पबजी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा तभी मिलेगा जब आप टर्बो मोड यानी कि गेम बूस्टर को आप डीएक्टिवेट करके खेलोगे। अगर आपको गेम बूस्टर का सपोर्ट करके आप इस तरह से अगर पबजी खेलोगे तो आपका फ़ोन हमेशा से लैग होता है, हैंग होता है और कभी भी आप पबजी खेलने के टाइम जब आपका फ़ोन वगैरह आता है तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो कभी भी आप पबजी के अंदर गेम टर्बो मोड ऑन करके मत खेलना, जो कि आपको सपोर्ट मिला है, आगे मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फास्ट यहाँ पर गेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता था। और इस अपडेट के बाद मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा पबजी के अंदर, बहुत सही देखने को मिलता है, कहीं भी लैग फ्रेम यहाँ पर कोई भी देखने को मुझे नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का यहाँ पर नहीं हो रहा है इस अपडेट के अंदर। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस अपडेट को कर लिया है तो कमेंट जरूर करना कि आपको क्या न्यू बग्स देखने को मिल जाता है और सबसे अच्छा आपको न्यू फीचर्स इस अपडेट के अंदर क्या आपको देखने को मिल गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर अब जाता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा गेम टर्बो मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको इसके साथ पबजी या फिर कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है और इसके साथ अगर किसी भी आप गेम को खेलेंगे तो आपका गेम प्ले बेकार हो जाएगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट ज़रूर करना और मैंने वो सारे चीज़ें आपको बताई इस अपडेट के अंदर जो कि यहाँ पर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बारी बारी से मैंने सारे आपको यहाँ पर फीचर्स के बारे में बताया है। बैटरी बैकअप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर भी यहाँ पर ये अपडेट मेरे हिसाब से अच्छा है, आपको अपडेट को कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर कैमरा सेक्शन के अंदर कभी कभी लैग देखने को मिल जाता है और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर हीटिंग इशू अभी थोड़ा सा वेदर के हिसाब से भी देखने को मिल जाता है। अब इसके यहाँ पर स्पीड टेस्ट देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अब देखने वाली बात होती है कि इस अपडेट के बाद जियो का यहाँ पर स्पीड क्या होने वाला है। ओकला के अंदर मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा दूंगा कि डाउनलोड और अपलोड का स्पीड क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.4 का यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर आपको ग्राफ उठता हुआ दिख जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर डाउनलोड का स्पीड है 1.40।
इसके अलावा आप यहाँ पर अपलोड का स्पीड देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ पर मुझे वीडियो अपलोड करना होता है तो अपलोड का स्पीड काफ़ी यहाँ पर मायने रखता है, क्योंकि मैं उसी से वीडियो को अपलोड कर पाता हूँ और 1.89 ऐसे स्पीड यहाँ पर मुझे रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट के अंदर डाउनलोड और अपलोड का स्पीड आपको क्या देखने को मिलता है, 1.4 GB और यहाँ पर 2.5 यहाँ पर अपलोड का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन इससे भी अच्छा पुराने वाले वर्जन के अंदर आपको अपडेट देखने को मिलता था, जिसमें मेरा जो स्पीड है इंटरनेट का वो काफ़ी अच्छा था। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ और फीचर्स के बारे में आपको मैं बता दूँ, जैसा कि मेरे पास दोनों डिवाइस है, मैंने आपको कहा कि स्टेबल वर्जन और बीटा वर्जन के दोनों डिवाइस मेरे पास हैं, और मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट करना चाहिए। कुछ प्रॉन्स भी है, कुछ कॉन्स भी है, और हर अपडेट में आपको कुछ ना कुछ नया फीचर्स मिलता है, कुछ बग्स मिलते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं। मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट जो भी फीचर्स है मैंने आपको बता दिया, क्या इसके प्रॉस है, क्या इसके कॉन्स है, और मेरे पास दोनों डिवाइस है जिसमें कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है स्टेबल के अंदर और बीटा के अंदर, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि डार्क मोड, चार्जिंग एनिमेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साउंड का जो प्रॉब्लम है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। मेरे पास दोनों डिवाइस है और स्टेबल के अंदर थोड़ा सा साउंड मुझे सही मिला और बीटा में अब जाने के बाद साउंड थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाता है। इस बग्स को अभी तक सामी ने फिक्स नहीं किया, और सर्विस सेंटर में रेगुलर जाने के बाद भी, यहाँ पर स्पीकर चेंज होने के बाद भी ऐसा सुनने को आया है कि ये बग्स को फिक्स नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले अपडेट के अंदर से फिक्स किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।